दोस्तों, अमेजोन का जंगल दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगलों में से एक है और इसमें मौजूद नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। वैसे ये नदी न सिर्फ दिखने में बड़ी है बल्कि इसमें पाए जाने वाले जानवर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं खतरनाक जानवरों से मिलाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लैक कैमन। दोस्तों, अमेजोन नदी में पाए जाने वाले ब्लैक कैमन न सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं बल्कि ये राक्षस बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यही कारण है कि जरा सा परेशान किए जाने पर ये सामने वाले पर हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि कैमन की ये प्रजाति भूख लगने पर किसी भी जानवर या पक्षी को खा जाते हैं, फिर चाहे वो एनाकोंडा जैसे सांप हो या फिर कोई बड़े आकार का जानवर। लगभग 6 मीटर तक बढ़ने वाले इन जीवों के शरीर और इनकी आक्रामकता के चलते इन्हें अमेजोन में मौजूद सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। नंबर 9, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक हैं बल्कि ये एक खतरनाक शिकारी भी हैं, इसलिए इन्हें आए दिन हिप्पो और हिरण से लेकर कई बार तो जैगुआर पर भी हमला करते हुए देखा गया है। यही कारण है कि इनका सामना होने पर इंसान तो क्या, बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवरों के भी पसीने छूट जाते हैं। आपको बता दूं कि नर ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 3 मीटर से भी ज़्यादा होती है, वहीं एक मादा एनाकोंडा नर की तुलना में ज़्यादा बड़े साइज की होती है। इसी वजह से इनका वजन 250 किलो से भी ज़्यादा होता है। नंबर 8, एरापाइमा। दोस्तों, अमेजोन नदी में पाए जाने वाले इस जीव का नाम बोलने में अगर आपको भी परेशानी हो रही है तो आप इन्हें पिर अरुकू के नाम से भी बुला सकते हैं। कुछ हद तक मछली की तरह दिखने वाले ये जीव दिन का ज्यादातर समय पानी के पास रहकर बिताते हैं ताकि आसानी से सांस लेने के साथ साथ अपने शिकार को हजम कर सके। लगभग 2.7 मीटर तक बढ़ने वाले इस जीव का वजन लगभग 90 किलो तक भारी हो सकता है और इन्हें खाने में छोटी मोटी मछलियों के अलावा कई बार पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। विशालकाय शरीर वाले इन जीवों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि अमेजोन नदी के किनारे पर रहने वाले इन जीवों पर जैसे ही किसी की नज़र पड़ती है तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। नंबर 7, जायंट ऑटर। ऑटर्स की दूसरी प्रजातियों से अलग जायंट ऑटर आकार में काफी बड़े होते हैं और इनका शरीर लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकता है, जो ऑटर्स की दूसरी प्रजातियों से काफ़ी ज़्यादा है। बात करें इनके खाने की तो झुंड में शिकार करने वाले ये जीव आम तौर पर छोटी बड़ी मछलियों के अलावा केकड़े खाना पसंद करते हैं। अमेजोन नदी में पाए जाने वाले इन जीवों को देखकर भले ही कोई इनके पास जाने की हिम्मत ना करे लेकिन ये जीव दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसी वजह से हर कोई इनके पास जाना चाहता है। लेकिन आपको बता दूं कि गलती से भी इसके पास मत जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यारे दिखने वाले इन जीवों को कई बार ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांपों पर हमला करते हुए देखा गया है। इसके अलावा कई मौकों पर इन्हें विशालकाय कैबिन का भी शिकार करते हुए देखा गया है। यही कारण है कि अमेजोन नदी में पाए जाने वाले इन जीवों से जितनी ज़्यादा दूरी बनाई जा सके उतना ठीक है। नंबर 6, कैंडिरू। दोस्तों, अमेजोन नदी में बड़े आकार के खतरनाक जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो दिखने में भले ही छोटे लगते हैं पर ये आपको किसी बड़े आकार के दानव से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्हीं में से एक कैंडिरो नाम की ये कैटफिश भी है। ये मछली किसी इंसान पर हमला करने के बजाय उस वक्त इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है जब कोई नदी के अंदर टॉयलेट करने की कोशिश करता है। शुरुआत में इस मछली का शिकार हुए इंसान को भले ही कोई खास तरह की परेशानी नहीं होती पर जैसे जैसे समय बीतता है सामने वाले की परेशानियां बढ़ती जाती है। ये छोटी मछली शरीर के अंदरूनी अंगों पर हमला करने के अलावा शरीर में मौजूद खून को भी नुकसान पहुँचाती है। अब तक ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जब इस मछली को ऑपरेशन करके लोगों के पेट से बाहर निकाला गया और अगर समय रहते ही इस मछली को शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 5, बुल शार्क्स।
दोस्तों शार्क की दूसरी प्रजातियों की तरह ही अमेज़न नदी में पाए जाने वाली बुल शार्क्स भी एक खतरनाक शिकारी होती है। ये मौका मिलने पर छोटी मोटी मछलियों के साथ साथ विशाल जीवों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटती। और इतना ही नहीं, कई बार इन खतरनाक मछलियों को इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। यही कारण है कि इन मछलियों का सामना करने से हर कोई बचना चाहता है। हमला करना तो दूर, कई लोगों की हालत इन मछलियों का भारी भरकम शरीर देखकर ही खराब हो जाती है। आपको बता दूं कि ये मछलियाँ लगभग 3.3 मीटर तक बढ़ सकती है। इस भारी भरकम शरीर के चलते ही इन मछलियों का वजन लगभग 310 किलोग्राम तक भारी हो जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस वक्त इतने विशाल आकार की मछली शिकार पर हमला करती होगी तो उस समय उसकी क्या हालत होती होगी। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों अमेज़न नदी में पाई जाने वाली इन मछलियों का नाम भले ही इलेक्ट्रिक ईल है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये ईल्स नहीं बल्कि कैटफिश की फैमिली से रिश्ता रखती है। लगभग 2.5 मीटर तक बढ़ने वाली इन मछलियों की खासियत है इनके द्वारा दिया जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट का इस्तेमाल ये मछलियाँ आमतौर पर शिकार करने के लिए करती है। आपको बता दूं कि जैसे ही इन मछलियों को छोटी मोटी मछली या पानी में मौजूद कोई कमज़ोर शिकार मिल जाता है तो ये तुरंत उसको बिजली का झटका देकर उसे मार डालती है। इसके बाद ये अपने शिकार को खा जाती है। शिकार करने के अलावा कई बार इन मछलियों को अपने बचाव के लिए भी बिजली के तेज झटके का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिजली का ये झटका इतना तेज होता है कि घुसाई हुई ईल अगर अपनी पर आ जाए तो दुश्मन की जान लेकर ही शांत होती है। नंबर 3, रेड बेलिड पिरानास। दोस्तों 12 इंच तक बढ़ने वाली अमेज़न की ये मछलियाँ दिखने में भले ही छोटी होती है, लेकिन इनके शरीर पर मत जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झुंड में घूमने वाली ये मछलियाँ भूख लगने पर बड़े से बड़े जीवों का चंद मिनटों के अंदर ही सफाया कर देती है। मतलब कुछ ही देर में तैरते हुए जीव का नामो निशानी मिट जाता है। और इसका कारण है इन मछलियों के मजबूत जबड़े और नुकीले दांत, जो एक तेज हथियार की तरह धारदार होते हैं, और जो भी इनके सामने आता है ये उसे काट कर रख देती है। और इसी वजह से ये मछलियाँ पूरी दुनिया में बदनाम है। नंबर 2, पायारा। दोस्तों अमेज़न नदी में पाए जाने वाली इन मछलियों को वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि ये मछलियाँ दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। ये जितनी ज़्यादा भयानक होती है उतनी ही खतरनाक शिकारी भी मानी जाती है, क्योंकि 1.2 मीटर के करीब बढ़ने वाली ये मछलियाँ मौका मिलने पर अपने से आधे आकार के जीव को बहुत ही आसानी से चीर सकती है। इन मछलियों की खासियत है इनके जबड़े और इनके दांतों की खास बनावट। इन मछलियों के ऊपरी जबड़े के दांत काफ़ी छोटे आकार के होते हैं, वहीं निचले जबड़े के दांत काफ़ी बड़े आकार के और ऊपरी जबड़े में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिस वजह से इन मछलियों के निचले दांत ऊपरी जबड़े को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर बात करें इनके खाने की तो ये पिराना मछली को बड़े शौक से खाते हैं। नंबर 1, पाकू। दोस्तों अमेज़न की नदी में पाए जाने वाली ये मछलियाँ दिखने में बहुत ही डरावनी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दांत काफ़ी हद तक इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि खतरनाक दिखने वाली ये मछलियाँ पूरी तरह से शाकाहारी होती है और इसे खाने में फल के अलावा सूखे मेवे भी पसंद होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, क्योंकि कई मौके ऐसे भी आए हैं जब इन मछलियों ने अचानक से गोताखोर या फिर तैराक पर भी हमला कर दिया, और इस हमले की वजह से लोगों को जोरदार दर्द का सामना करने के साथ साथ कई बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इन मछलियों को देखते ही जितना हो सके उतना दूर ही रहिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।